3.3 गोल्डस्टीन और केनाल किरण, गोल्डस्टीन एंड केनाल रेस। जहां एक ओर कैथोड किरण की खोज हुई, वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज की, जिन्हें उन्होंने एनोड या केनाल किरण कहा। गोल्डस्टीन के प्रयोग आधारित अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि ये केनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती हैं और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती है। उन्होंने यह देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह किरण ट्यूब में भरी गैस के आयनीकरण से उत्पन्न हो रही थी। इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित भाग होते हैं।